हाय एवरीवन, आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे गुजरात बीओई 2023 में ये कूलिंग टावर के रिलेटेड न्यूमेरिकल आया है पेपर वन में, सो उसका सॉल्यूशन के बारे में। और ये लास्ट 10 इयर्स में गुजरात में पहला बार कूलिंग टावर के रिलेटेड न्यूमेरिकल आया है और ये काफी इजी न्यूमेरिकल है। आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि जो लेटेस्ट बीओई एग्जाम कंडक्ट होता है उसका एमसीक्यू सॉल्यूशन और कुछ न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन एज वेल एज और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर रहता है उसका भी काफी सारा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो आपको आने वाले बीओई एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग रीडिंग्स आर नोटेड फ्रॉम ए पावर प्लांट कूलिंग टावर। कूलिंग वाटर फ्लो 1500 मीटर क्यूब पर आवर दिया हुआ है। कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वेट बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्राई बल्ब टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड। टीडीएस ऑफ कूलिंग वाटर 1500 पीपीएम। TDS ऑफ मेकअप वाटर 250 ppm एंड इवेपोरेशन लॉस 2%, वंडेज लॉस नेग्लिजेबल। ठीक है, सो क्या क्या कैलकुलेट करना है ना, अप्रोच, रेंज, हीट लोड ऑफ द कूलिंग टावर, COC, ब्लो डाउन एंड मेकअप वाटर रिक्वायर्ड कितना है। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जो अप्रोच है और रेंज है उसको कैसे इसको डिनोट करेंगे। ठीक है ना, ये जो रेंज है वो क्या है ना, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग वाटर कूलिंग टावर हॉट वाटर इनलेट एंड कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर। ठीक है, हॉट वाटर इनलेट इनटू द कूलिंग टावर एंड कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिनोट करेंगे रेंज ना। ये अगर कूलिंग टावर है सो इसमें हॉट वाटर टेम्परेचर इनलेट होगा और वहां से कोल्ड टेम्परेचर आउटलेट होगा, तो ये जो रेंज होगा ये दोनों का डिफरेंस, इसी को हम लोग रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं व्हाट इज अप्रोच ना। अप्रोच इज द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग टावर आउटलेट कोल्ड वाटर टेम्परेचर एंड एम्बियंट वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, सो इसी को हम लोग अप्रोच बोलेंगे। सो सबसे पहले अभी कैलकुलेट करेंगे अप्रोच। सो वी कैन राइट डाउन अप्रोच इक्वल टू आउटलेट ऑफ कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, सो कोल्ड वाटर टेम्परेचर का आउटलेट कितना है, कूलिंग टावर आउटलेट टेम्परेचर 30 डिग्री। वेट बल्ब टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री। सो 3 डिग्री सेंटीग्रेड आपका अप्रोच हो गया। ठीक है, सो ये एक आंसर। अभी दूसरा नंबर है रेंज। रेंज को हम लोग कैसे लिखेंगे, इनलेट हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस आउटलेट कोल्ड वाटर टेम्परेचर। ठीक है, सो इनलेट हॉट वाटर टेम्परेचर कितना है कूलिंग टावर में, इनलेट टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। आउटलेट कोल्ड वाटर टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो रेंज इज 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी तीन नंबर बोल रहा है हीट लोड
ऑफ द कूलिंग टावर। हीट लोड ऑफ द कूलिंग टावर। सो इसको हम लोग कैपेसिटी बोल सकते हैं कूलिंग टावर का। उसको कैसे निकालेंगे? एम सी पी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा टी क्या है ना? दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, ये जो रेंज है, इनलेट ऑफ हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस आउटलेट कोल्ड वाटर टेम्परेचर। ठीक है, ये एम क्या है ना? एम इज द कूलिंग वाटर फ्लो। ठीक है, सो इसमें 1500 मीटर के ऊपर हवा दिया हुआ है। सीपी क्या है ना? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी 30 डिग्री सी माइनस 30 डिग्री सी, और इसको केजी में ट्रांसफर करना है। सो 1500 इंटू 1000 एंड वी नो दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 किलो कैलोरी पर केजी होता है। ठीक है, इंटू ये 8 डिग्री। सो इसको कैलकुलेट करेंगे सो इतना आएगा किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, अभी कूलिंग टावर का जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग टीआर से भी डिनोट करते हैं। टीआर, टर्न अप रेफ्रिजरेशन। सो एज वी नो 1 TR इक्वल टू 3024 किलो कैलोरी पर केजी। सो सिंपल इसको डिवाइड करेंगे, सो एज वी नो दैट 1 TR इक्वल टू 3024 किलो कैलोरी पर केजी। सो इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1200003024 39682 TR। सो द हीट लोड ऑफ द कूलिंग टावर इज 3968.2 TR, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, सो अभी 4 नंबर क्वेश्चन है सीओसी। इसका सीओसी निकालना है, ये न्यूमेरिकल का। उसको कैसे निकालेंगे ना? सीओसी इक्वल टू टीडीएस ऑफ कूलिंग टावर बाय टीडीएस ऑफ मेकअप वाटर। सो ये टीडीएस ऑफ कूलिंग टावर कितना दिया हुआ है ना? 1500 ppm एंड टीडीएस ऑफ मेकअप वाटर 250 ppm। सो इसका आंसर होगा 6। ओके, सो अभी इसके बाद क्या निकालना है ना? ब्लोडाउन निकालना है। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे? ना ब्लोडाउन परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एवापोरेशन एवापोरेशन लॉस बाय सीओसी माइनस 1। ठीक है, सो ब्लोडाउन परसेंटेज निकलने का फॉर्मूला है परसेंटेज एवापोरेशन लॉस बाय सीओसी माइनस 1। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ एवापोरेशन लॉस इसमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 2%। सीओसी कितना निकला? 6 माइनस 1, सो ये 0.4 इसका
कैलकुलेशन के बाद ये निकलेगा 0.4%। ठीक है, सो अभी ब्लू डाउन क्वांटिटी निकलना है। ब्लू डाउन क्वांटिटी इसको कैसे निकालेंगे ना, सी डब्ल्यू फ्लो इंटू परसेंटेज ब्लू डाउन। ओके, सो सी डब्ल्यू फ्लो कितना दिया है ना, 1500 मीटर क्यू पर आवर, एंड जो परसेंटेज ब्लू डाउन है वो कितना निकला, ये 0.4। सो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, 1500 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 100, सो इसका आंसर आएगा 6 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, अभी इसके बाद निकलना है मेकअप वाटर रिक्वायर्ड। मेकअप वाटर रिक्वायर्ड ये कैसे निकालेंगे ना, मेकअप वाटर रिक्वायर्ड उसका मीनिंग क्या है ना, जितना इवेपोरेशन लॉस होगा एंड ब्लू डाउन लॉस एंड जो ड्रिप लॉस है, सो उसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट जितना है वो निकल जाएगा। ठीक है, सो मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू इवेपोरेशन लॉस प्लस ब्लू डाउन। अभी यहां पर जो ड्रिप लॉस या वाइंडेज लॉस है वो नेग्लिजेबल है, सो ओनली यही दो ही आएगा। सो इवेपोरेशन लॉस कितना है ना, 2% दिया हुआ है, सो ये 2% किसका है ना, जो सी डब्ल्यू फ्लो है 1500 मीटर क्यूब का 2% है, सो 1500 इंटू 2% प्लस ब्लू डाउन, ये 6 मीटर क्यूब पर आवर है। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 36 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, सो ये जो न्यूमेरिकल है इसका सॉल्यूशन ऐसे करना है। अप्रोच के लिए जो आउटलेट ऑफ कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस वेट वाटर टेम्परेचर उसको माइनस करेंगे तो ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। रेंज के लिए इनलेट हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस आउटलेट कोल्ड वाटर टेम्परेचर 38 माइनस 30 करेंगे तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एंड हीट लोड या टीआर निकालने के लिए एमसीपी डेल्टा टी इज रेंज, तो ये जो डाटा है ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा टीआर में। ठीक है, एंड 1 TR इक्वल टू 3024 किलो कैलोरी पर केजी। उसके बाद जो COC होता है वो TDS ऑफ कूलिंग टावर बाय TDS ऑफ मेकअप वाटर। ठीक है, एंड ब्लू डाउन परसेंटेज इवेपोरेशन लॉस बाय COC-1, ये फॉर्मूला यूज होगा। एंड उसके बाद जो ब्लू डाउन क्वांटिटी है उसको निकालने के लिए टोटल CW फ्लो इनटू परसेंटेज ऑफ ब्लू डाउन करेंगे तो ब्लू डाउन क्वांटिटी निकल जाएगा। ठीक है, एंड मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट ना टोटल जितना भी लॉसेस हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मेकअप वाटर कितना रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। सो इवेपोरेशन लॉस प्लस ब्लू डाउन लॉस प्लस जो ड्रिप लॉस है उसको कैलकुलेट करना है, बट ये क्वेश्चन में ड्रिप लॉस या वाइंडेज लॉस नेग्लिजेबल था, सो ओनली ये दोनों को कैलकुलेट करना है। सो इसका जो टोटल मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट है वो निकल जाएगा। सो ये न्यूमेरिकल में इतना ही, आई होप ये काफी इजी न्यूमेरिकल है और ये लास्ट 10 ईयर्स में गुजरात में पहला बार ये कूलिंग टावर के रिलेटेड न्यूमेरिकल आया था और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसका जो फॉर्मूलाज है मैंने आपको बताया कैसे ये न्यूमेरिकल का सॉल्व करना है। सो आई होप ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, और ऐसा टाइप का वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
थैंक यू।